नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। आज के वक्त में हर तीसरा व्यक्ति पेट में गड़बड़ी, गैस, कब्ज जैसी परेशानियों से जूझ रहा है। ऐसे में पेट के खराब होने या बेवजह गुड़गुड़ी की आवाज आना भी आम है, जो सही समय पर भोजन न करने की वजह से होती है। इसके कारण खाली पेट में गैस बनने, भारीपन महसूस होने लगता है। लेकिन लंबे वक्त तक ये परेशानी बनी हुई है तो इसे इग्नोर ना करें, क्योंकि ये किसी बड़ी बीमारी के संकेत भी हो सकते हैं। बहुत बार दवा का सेवन करने पर पेट में गुड़गुड़ी की आवाज आती रहती है। ऐसे में डॉक्टरों द्वारा अल्ट्रासाउंड या फिर एक्सरे करवाने को कहा जाता है, क्योंकि इसके पीछे का कारण आंत का कैंसर भी हो सकता है। इस तरह किसी भी तरह की समस्या होने पर उसे अनदेखा करने की जगह तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, ताकि वक्त रहते ही बीमारी का पता चल सके और इलाज भी सही वक्त पर हो पाए। वैसे आपको बता दूं कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक दो समय के खाने के बीच ज्यादा देर का अंतराल नहीं डालना चाहिए। इसके अलावा पेट से गुड़गुड़ी की आवाज आने पर तुरंत ही भोजन का सेवन कर लें। ज्यादा वक्त तक खाना ना खाने से पाचन तंत्र कमजोर होने लगता है। ऐसे में खाने को पचाने में मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। गैस की परेशानी होने पर ये पेट की दीवारों से टकराती है। इसके कारण ही पेट से आवाजें आने लगती हैं, साथ ही पाचन तंत्र भी कमजोर होने लगता है। आप खाने में फाइबर और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीजों का सेवन करें। इसके साथ ही अदरक को अपनी डेली रूटीन में शामिल करें। ज्यादा देर भूखे रहने से भी बचें। भूख लगने पर तुरंत और चबा चबा कर ही भोजन करें। चाय, कॉफी आदि का सेवन नामात्र ही करें। गोभी, ब्रोकली, बीन्स आदि चीजों के सेवन से गैस की परेशानी ज्यादा होती है। ऐसे में इनका सेवन करने से भी बचें। रोजाना 8 से 10 ग्लास पानी का सेवन करें। सही और भरपूर मात्रा में नींद लें। सुबह और शाम के वक्त सैर या फिर योगा करें। ज्यादा तला भुना या मसालेदार भोजन खाने से भी परहेज करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही नीचे कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताना ना भूलें कि आपको हमारी राय कैसी लगी।